जनपद मुरादाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पंचायत पाग बड़ा में संत नामदेव बड़ा मंदिर से एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। यात्रा की अगुवाई कर रहे समाज सेवी युवाओं द्वारा कहा गया कि हर वर्ष पाग बड़ा में पितृपक्ष के मौके पर कलश यात्रा निकाली जाती है और लगातार 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। भागवत कथा से पूर्व संत नामदेव बड़ा मंदिर से कलश यात्रा निकालकर धर्म प्रेमियों द्वारा आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर पागबड़ा में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म प्रेमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पागबड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर से यूं तो हर वर्ष यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना काल बीत जाने के बाद इस बार खूबसूरत अंदाज में इस यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों के साथ सजी कलश यात्रा पागबड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर से प्रारंभ हुई और पागबड़ा के अनेक मार्गों से होती हुई श्री राम बैंकेट हॉल कथा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। कलश यात्रा का शुभारंभ कथावाचक बरसाने वाले मामा जी श्याम गोविंद दास जी महाराज द्वारा विधि विधान के साथ किया गया। भागवत गीता को पूरी श्रद्धा के साथ भक्तों द्वारा अपने सर पर रखकर पागबड़ा के कलश यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया। साथ ही सभी को संदेश दिया गया कि भागवत गीता का पाठ किया जा रहा है, सभी लोग इस पाठ को सुनने के लिए कथा स्थल तक जरूर पहुंचे, क्योंकि भागवत गीता का संदेश है कि हमें बुराइयों से दूर जाना है और अच्छाइयों की तरफ लौट कर आना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और मानव जाति के कल्याण के साथ मानव जाति और जीवों से प्रेम करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। और इस दौरान कथावाचक द्वारा इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। हम आज पगवाड़ा में आए हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा का संदेश देने आए हैं। जो कलयुग में यह श्रीमद् भागवत कथा ही मनुष्यों के साथ है, यह भागवत कथा श्रवण कर कर सीधे ही व्यक्ति भगवान के धाम के ऊपर प्रस्थान करता है। और कलयुग में धुंधकारी का ही नहीं बात है, कथा भी धुंधकारी ने ही कलयुग में श्रवण किया था, और उसकी ही बात नहीं है, इस कथा को सबके सुनने का अधिकार है। और इस कथा को श्रवण जो व्यक्ति करता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे फिर दोबारा माँ के गर्भ में नहीं प्रवेश करता। इस कथा के लिए देवता तरसते हैं, मनुष्यों को तो बात छोड़िए। और उसमें भी हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिया है तो कितना सौभाग्य है, और उसमें भी बताइए माँ गंगा के तट पर यह बसा हुआ मुरादाबाद क्षेत्र है पगवाड़ा। तो हम लोग सभी लोगों के उत्साह के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और खुशी के साथ में करना चाहिए, नहीं कि कभी दुखी होकर कोई काम न करे। सभी लोग खुशी से भागवत कथा का श्रवण करें। देखिए यहाँ देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, तो हम लोगों के भी भागवत कथा का श्रवण बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। और लिखा गया है कि अगर रोज न आ सके तो कम से कम एक दिन के लिए भी तो भागवत कथा का श्रवण कर कर अपने जीवन का सफल बनाए। बोलिए जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय श्री राधेश, जय श्री राधेश। वहीं सैकड़ों की संख्या में मौजूद रही धर्म प्रेमी महिलाएं सिर पर कलश लेकर संत नामदेव बड़ा मंदिर से पागबड़ा के अनेक मोहल्लों से होती हुई मंगल कामनाओं के साथ गीत गाती दिखाई दे रही थी। पागबड़ा में निकली इस कलश यात्रा पर पागबड़ा की जनता द्वारा पुष्प बरसाए गए। पागबड़ा के अनेक मार्गों से भ्रमण करती हुई ये यात्रा जब पागबड़ा के श्री राम बैंकेट हॉल कथा स्थल पर पहुंची तो फिर उसके बाद बरसाने वाले महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। SS लोकल लाइव संवाददाता ने जब इस कलश यात्रा को लेकर पागबड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी एवं सीनियर जर्नलिस्ट मोहित शर्मा एडवोकेट से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है, उसके लिए भव्य कलश यात्रा ये पागबड़ा में निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकलती है? ये और संत रामदेव बड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर दुर्गा मंदिर, मोहल्ला छिपी वाला, होली वाला कुआ, ब्राह्मण धर्मशाला होते हुए छतरी वाला कुआ से इस समय गुजर रही है, और यहाँ से ये शिवसाई मंदिर होते हुए माया हाउस जो कथा स्थल है वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पागबड़ा वासियों को और महानगर वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि पितृपक्ष के पावन महीने में श्री हरि की कथा हमें सुनने को मिल रही है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा सुनने के लिए आए और अपने जीवन को धन्यवाद। आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी राम बाबू भटनागर, सीताराम रोहिला, चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू भैया, श्री गणेश कमेटी के सेबी शर्मा एडवोकेट, महेंद्र गुप्ता, ठाकुर ओमकार सिंह, मयंक अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे।